हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 20x40। फ्रंट इसका 20 फीट दिया, लंबाई इसकी 40 फीट की है, जिसमें आपको पोर्च के साथ में बाइक पार्किंग के साथ में ग्राउंड फ्लोर में 2BHK हाउस प्लान कम्प्लीट देखेगा। उसके ऊपर भी आपको 2BHK हाउस प्लान कम्प्लीट देखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ी लॉबी भी उपलब्ध कराई गई है। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते अपनी 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता पूरा 20x40 में ओनली। ये पोर्च भी आपके प्लॉट में बना है, ये बाइक पार्किंग भी आपके प्लॉट में दी गई है। ओपन टेरेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से जाल दिया गया है। कंप्लीट एरिया भी कुछ इस तरीके से बनी है। ऊपर आप पानी टंकी रख सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है कुछ इस तरीके से। ये 4x10 का आपका स्पेस दिया बाइक पार्किंग के लिए, आराम से यहाँ पे बाइक खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पेड़ पौधा लगाने के लिए स्पेस भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पे आप तुलसी वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप काफ़ी बड़ा पोर्च दिख जाता है, देख सकते हैं आप। इस पोर्च का मैंने साइज दिया हुआ है 8x10। ये 8x10 का आपका पोर्च दिया गया है, देख सकते हैं आप 8x10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक मिल जाती है। बैठक के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से आपको विंडो उपलब्ध कराई गई। बैठक का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा, आराम से आप कूलर भी लगा सकते हैं। बैठक से डायरेक्ट घर के अंदर आने जाने कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया। बैठक से डायरेक्ट हॉल में आप एंट्री ले सकते हैं। इस बैठक का मैंने साइज रखा है 10x12। ये 10x12 की आपकी बैठक दी गई है, देख सकते हैं आप 10x12। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट हॉल में आ जाएंगे। अगर आप हॉल में बैठक बनाना चाहते हैं तो हॉल में बैठक बना सकते हैं। काफ़ी बड़ा आपका हॉल दिया गया है, देख सकते हैं आप। इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 9x20। ये 9x20 का आपका हॉल दिया। दीवार को हटा के मैं सारे साइज बता रहा हूँ। ये 9x20 का आपका हॉल दिया गया है। हॉल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड दिख जाती है कुछ इस तरीके से। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज रखा है 4x10। ये 4x10 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमाइंड बनी हुई है, देख सकते हैं आप 4x10। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना मिल जाता है। कंप्लीट जीना आपका पूरा दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। जीना आपका 3 फीट का बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। ये आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया है। अगर आप सीढ़ियों का साइज कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है। रूम के वेंटिलेशन इस साइड से विंडो दी है, इस साइड से भी आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है। वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस रूम का मैंने साइज रखा है 12x12। ये 12x12 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं आप 12x12 का। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके किचन दिख जाती है, किचन के वेंटिलेशन पीछे से आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं आप। पीछे आपका कुछ इस तरीके स्पेस दिया हुआ है, फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस किचन का मैंने साइज रखा हुआ है 7x9। ये 7x9 की आपकी किचन दी गई है, देख सकते हैं आप 7x9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20x40 में कुछ इस तरीके से पोर्च के साथ में बाइक पार्किंग 2BHK हाउस प्लान कुछ इस तरीके से कंप्लीट बना हुआ है, देख सकते हैं आप। फुल्ली वेंटिलेशन साथ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना प्लान तैयार करा सकते हैं। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जिन्हें से आपको ऊपर आना है, ऊपर आने कुछ इस तरीके दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ऊपर जाने कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने में लगा। सेम प्रोसेस आपका पूरा बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे आपका 12x12 का रूम दिया है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको किचन मिल जाती है। किचन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से OTS दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आपको हॉल मिल जाता है 9x20 का। यहाँ पे आपको हॉल में लैट्रिन बाथरूम मिल जाती है 4x10 की। उसके बाद यहाँ पे आपको बालकनी साइड से एक रूम मिल जाता है 10x12 का। बालकनी आने जाने कुछ इस तरीके दोनों साइड से एंट्री गेट दिए। डायरेक्ट आप हॉल से भी एंट्री ले सकते हैं और रूम से भी एंट्री ले सकते हैं। इस बालकनी का मैंने साइज रखा है 8x10। ये 8x10 की आपकी बालकनी दी गई है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप 8x10। पूरा सेम प्रोसेस दिया आपका 2BHK का, देख सकते हैं। कंप्लीट एरिया आपकी कुछ इस तरीके से बनी है पूरी। बाकी के यहाँ पे आपको ओपन टेरेस दी जाती है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनाया है 20x40 में ओनली, देख सकते हैं आप। काफ़ी बेस्ट एलिवेशन है।
उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।